तो गाइस फाइनली जो है जिमी उसो आ चुके हैं WWE के अंदर। और गाइस यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग मैच था गाइस, ये वाला जो मैच था गाइस, यहाँ पे जो है लास्ट में क्या होता है कि टामा टोंगा और टोंगालोवा जो है गाइस मैच के अंदर इंटरफेयर करते हैं, और गाइस बाद में आते हैं जिमी उसो। और गाइस इस मैच के अंदर जो है आप लोगों को कोडी रोज यहाँ पे छलांग लगाते हुए भी दिखाई देंगे, जो कि जेकब फाटू को टेबल के ऊपर लेटा देते हैं और ऊपर से छलांग लगाते हैं, और गाइस इशारों में बोलते हैं रोमन रेंज को कि अब भाई तेरी बारी इस मैच को जितवाने की, अब तेरी बारी है गाइस, इस टाइप का कुछ इशारों में बोलते हैं और छलांग लगा देते हैं। और गाइस लास्ट में जो है गाइस यहाँ पे आप लोगों को मतलब जो है रोमन रेंज जीतते हुए दिखाई देते हैं गाइस, क्योंकि जिमी उसो जो आते हैं और गाइस टामा टोंगा और टोंगालोवा को जो है गाइस यहाँ पे सुपर किक देखो, मतलब सोलो सिकोवा का जो है यहाँ पे सोलो सिकोवा को जो है गाइस सुपरमैन पंच देते हैं, उसके बाद जो है गाइस स्पीड देके यहाँ पे इस मैच को किया जाता है ख़त्म। और गाइस यहाँ पे जो है भाई देखने वाली चीज़ ये थी कि मतलब जो है रोमन रेंज इतना मतलब इमोशनल हो जाता है कि मतलब जो जिमी उसो को भाई ऐसे गले लगा देता है, मतलब कि ऐसे गले लगाता है जैसे कि भाई राम मिलन हो चुका हो, मतलब कि भरत मिलन, आप लोगों ने रामायण देखा होगा तो उस टाइप का जो है यहाँ पे सीन लग रहा था मेरे को तो। बट बहुत अच्छा था गाइस, बहुत ही इमोशनली मतलब जो है एक दूसरे को गले लगाते हैं। और गाइस यहाँ पे जो है वो लोग रिंग छोड़ के जाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है गाइस अकेले रिंग के अंदर होते हैं, और गाइस यहाँ पे जो है ब्लड लाइन उनके ऊपर अटैक कर देती है। अटैक करने के बाद जो है गाइस यहाँ पे जिमी उसको बोलते हैं कि चल भाई अपन इसको बचाते हैं गाइस, इस टाइप का कुछ रोमन रेंज को बोलते हैं, और गाइस वो जो है जाके कोडी रोज को बचाते हैं। बट जो है गाइस स्टोरी लाइन में मैन यहाँ पे जो है इंटरफेयर होता है द रॉक का, और गाइस द फाइनल बॉस आ जाते हैं यहाँ पे वापस, और गाइस रॉक आप लोगों को लास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। और गाइस इस मैच के अंदर आके बस वो यही इशारे में बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप का भी बोल सकते थे, बट जो है उन्होंने नहीं बोला गाइस, मजाक की बात है गाइस, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मजाक किया है, बट इस टाइप का कुछ बोलते हैं। अब यहाँ पे गाइस क्या होगा कुछ पता नहीं है, बट यहाँ पे जो है गाइस आप लोगों को स्टोरी लाइन में कुछ इस टाइप का जो है सर्वाइवर सीरीज के अंदर मैच देखने को मिल सकता है, ब्लड लाइन वर्सेस फेक ब्लड लाइन, इस टाइप का जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और गाइस रॉक जो है गाइस फेक ब्लड लाइन के साथ रहेंगे, क्योंकि गाइस हीरो अच्छा है तो गाइस विलन भी जबरदस्त होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है रॉक को जो है विलन टाइप जो है इस स्टोरी लाइन के अंदर दिखाया जाएगा। और गाइस पॉल हेमन भी जो है गाइस यहाँ पे आप लोगों को रॉक की साइड जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रॉक का जो मतलब एडवोकेट था पहले रसोमेनिया से पहले जो है गाइस पॉल हेमन रॉक और रोमन रेंज दोनों के जो एडवोकेट थे, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है पॉल हेमन आप लोगों को जो है देखने को मिलेंगे, मतलब कि हील वाले कैरेक्टर के साथ जो है देखने को मिलते हैं, तो गाइस पॉल हेमन यहाँ पे रॉक के साथ जो है देखने को मिलेंगे गाइस। तो इस टाइप का कुछ स्टोरी लाइन बना सकते हैं WWE वाले, और गाइस ये वाला जो मैच है आप लोगों को सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है गाइस, आई होप देखने को मिले, बड़े ही मजे आएंगे गाइस, रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस द ऑल मतलब पूरे की पूरी ब्लड लाइन, मतलब फेक और रियल मतलब दोनों ही ब्लड लाइन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं गाइस। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।